ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਾਮਬਾਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਕਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। जी हाँ, ये लाकर रामबाग कमेटी वालों उन्ह मृतकों के परिवारों नूं दिते जांदे ने जिहड़े करोना करफ्यू च मृतकों दी आस्थियां जल प्रवाह नहीं कर सकते। उन्हां परिवारों नूं आस्थियां रखण लई लाकर मुहैया कीते जांदे ने। ते साडे पास रामबाग कमेटी दा मैं ओह हां, ते जो इत्थे आउंदे ने संस्कार लई, उन्हां संस्कार दे विच ते जदों तों कोई करफ्यू अनाउंस होया उदों तों कोई तकरीबन जिहड़ियां आस्थियां ने ओह तकरीबन साडे कोल ही पईआं ने, जिहड़ियां कि पक्के तौर ते साडे कोल 30 दे करीब बणे हुए ने बक्से, तो उस तो अलावा 10 तो 15 के करीब साढ़े को एक्सट्रा पैने जो कि असी इंतजाम किया। अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये अस्थियों को अपना लिया के कोई गंगा जी, कोई कीरतपुर साहब, जिते भी किसी का है सिस्टम, वो अपने प्रवाह कर देगा। अगर परमात्मा कोई ऐसी गल फिर लम्मा चलिया तो असी होर भी अरेजमेंट अगे नूं करांगे तां कि फुल अस्थियों किसी नूं दिक्कत ना आवे। मेरे ख्याल शायद एक या दो जने गए ने, इस तो बाद कोई नहीं गया, वक्त तकरीबन साढ़े को ही पईआं। बिल्कुल हो रहा है जी, दसाही का भी होंगे किरिया होंगे जो कि पांडे जी साढ़े इतने है वो करवाए हैं। कोई कोई बंदा जाके अपने क्या नाम है उत्थे भी करवाता है, क्या नाम हरियाणे में पोहे, लेकिन वो पोहे जाने का साधन ना होने करके वो तकरीबन सारे इतने ही करा रहे हैं, जिदा असं तकरीबन प्रबंध करते कराने है जो साढ़े को हैगा इंतजाम साढ़े को बनी हुई है, जिहड़ा कि दसाही और किरिया दा प्रबंध इत्थे रामबाग विच हुंदा है। उत्थे ही रामबाग कमेटी के मैंबर गोपाल शर्मा और मैनेजर पवन कुमार ने दसिया कि उन्हां कोल 30 लाकर ने जो करफ्यू लगन कारण अस्थियों नाल फुल भर चुके ने, अते बाकी अस्थियों लई उन्हां ने वक्री अलमारी का प्रबंध किया जिस विच अस्थियां रखियां जांदियां ने। साडे कोले जी उरे तकरीबन 28 या 30 बॉक्स बने हुए ने जिथे अस्थियों नूं रखा जाता है। इस टाइम साढ़े तकरीबन एक अद्धा बॉक्स ही खाली है। वह अस्थियां जो आए सी परमिशन लैके कीरतपुर जाके पा के आए ने। बाकी साढ़े को इस तो अलावा भी अगर एक ब्लॉक होर बनाया हुआ जिथे असी यह अस्थियां रखते हैं। आम दिनों के कोई ज़्यादा मतलब के संस्कार नहीं होंगे जी, ज़्यादा अस्थियां नहीं होंगे, तकरीबन ब्लॉक खाली रहिंदे ने। इस टाइम लॉकडाउन कारण सारे लॉकर भरे हुए ने, उस तो एक्सट्रा भी अस्थियां मतलब के ब्लॉक बना के रखे गए। हाँ, जिन्हें भी इस लॉकडाउन बदन दौरान कोई संस्कार होंगे ने अस्थियों रखने वास्ते होर जगह प्रोवाइड की जाएगी जी। साढ़े को 30 लॉकर बने हुए ने जी, ये 30 के 30 भरे हुए ने। वो तो एक्सट्रा असी नवारी लाई है 15 अस्थियां वो आम दिन जी रेंदे है, 2-4 भरते ने, बाकी खाली रहते। दो जने लै गए थे, वो सीगे कीरतपुर के, कोई सारा प्रबंध तो किया है। जे तो बाद भी लोड़ पई तो वह होर असी नवारी मतलब उत्थे अटैच करांगे। दसाही तो किरिया हो रही है जी, जिन्हें किसी ने किरिया मतलब बाहर पोहे कराने होती है तो आपका अरेजमेंट करके चला जाता, उत्थे कराया जाता जी। नहीं आम तौर पर साडे ब्राह्मण है वो इत्थे कराते। हाँ जी, ना कोई रुकावट। दस दईए कि माहरां मुताबक सूबे च करोना करफ्यू के चलते मौत दर च पहलां नालों काफ़ी फर्क पै गया। पहलां दे मुकाबले सूबे च मृतकों की गिणती घट गई है, पर करोना करफ्यू के चलते जिहड़े परिवारों च किसी जी की मौत हो जाती है उन्हां दी अस्थियां वह जल प्रवाह नहीं कर सकते। अते रामबाग कमेटी वालों उन्हां अस्थियों नूं सांभ के रखण का एक चंगा उपराला है। हकीकत टीवी पंजाबी लई बरनाला तों रजेश गोयल की रिपोर्ट।